आदमपुर उपचुनाव के लिए इनेलो आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला हिसार में पार्टी कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। इनेलो कुर्डाराम नंबरदार को अपना उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले हमने सबसे पहले आपको बताया था आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में सत्येंद्र सिंह का, और हमारी खबर पर मुहर लगी। फिर भव्य बिश्नोई के नाम के लिए भी हमने कहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर है भव्य बिश्नोई का नाम होगा, उस खबर पर भी मुहर लगी। और जेपी के लिए भी हम कह रहे थे पिछले दो दिनों से कि कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश होंगे, और इस खबर पर भी, जी मीडिया की इस खबर पर भी मुहर लगी। और अब इनेलो कोर्डाराम नंबरदार को अपना उम्मीदवार बना सकती है, यह खबर हमारे पास। लेकिन इंतजार दोपहर 12:30 बजे का। हिसार से जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, INLD अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, आखिरी दिन है कल नामांकन का, नामांकन कब होगा और कौन उम्मीदवार हो सकता है, नंबरदार का जिक्र हो रहा है। देखिए, अगर इनेलो की तरफ से प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो लगभग तय मानकर चलिए कि कुर्डाराम नंबरदार ही इनेलो की तरफ से प्रत्याशी होंगे। फिलहाल ऐलान होना बाकी है, एक तरह से औपचारिकता बाकी है। 12:30 बजे के करीब अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, और माना जा रहा है कि इसी प्रेस वार्ता में इस बात का ऐलान जो है कर दिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही आपसे बात होने से कुछ देर पहले ही मेरी कुर्डाराम से बात हुई है, कुर्डाराम नंबरदार से बात हुई है, जो एक तरह से विधिवत रूप से कांग्रेस को अलविदा कहने का ऐलान कर चुके हैं। कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें कुर्डाराम नंबरदार के ने खुद का कार्यालय बनाया हुआ था। बकायदा उस पर ये लिखा गया था कि कांग्रेस का कार्यालय है, लेकिन शाम को जैसे ही तस्वीर साफ हुई कि जयप्रकाश जो है एक तरह से चुनावी मैदान में आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने अपने दफ्तर के ऊपर जो पोस्टर्स लगे थे उनको हटवा दिया। बहरहाल औपचारिक रूप से कुर्डाराम भी अब एक प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। साथ ही साथ इनेलो के संपर्क में होने की बात जो है वो भी निकलकर सामने आई है। हालांकि कुर्डाराम ने तो नहीं कहा, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से इतना तय मान के चलिए कि अब से कुछ देर बाद जो है इनेलो पार्टी की तरफ से ऐलान जो है कुर्डाराम नंबरदार का कर दिया जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है कि INLD पूरे दमखम के साथ तो उतर नहीं रही है, कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दिया तो नाराज कोई व्यक्ति INLD के पास आया कि हमें टिकट चाहिए और टिकट दे रहे हैं, INLD का दम कैसे दिखेगा? INLD अगर अपने आप को 2024 के लिए एक अपने आप को एक पार्टी के तौर पर अगर प्रदर्शित करना चाहती है हरियाणा की एक बड़ी पार्टी के रूप में, तो ऐसे में आदमपुर जैसे गेटवे में एक ऐसे उम्मीदवार को उतारना जो कांग्रेस से बगावत करके आए हैं। देखिए, हार्दिक राजनीतिक संभावनाओं की बात कर ली जाए, राजनीतिक परिस्थितियों की बात कर ली जाए तो वो कभी भी खत्म नहीं होती है। अगर अभी तक के सिनेरियो की बात करेंगे, टिकटों के वितरण की बात करेंगे, तो तमाम पार्टियों पर एक बार आप नजर दौड़ाकर देखिए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को देखिए, वो भी BJP से अभी आए हैं, इससे पहले कांग्रेस में होते थे। इसके साथ साथ कुर्डाराम नंबरदार का जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं या इनेलो पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आपको बता दूं कि कुर्डाराम नंबरदार जो है पुराने जाने माने चेहरे आदमपुर एरिया के माने जाते हैं। बालसमंद एरिया के आसपास 20-22 गांव ऐसे हैं जहां पर हमेशा पानी की किल्लत रही है, क्योंकि वो बॉर्डर से सटा इलाका है, राजस्थान बॉर्डर से सटा इलाका है, और वहां तक पानी पहुंचवाने का काम कुर्डाराम के संघर्ष ने ही किया था। कुर्डाराम ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी, एक तरह से इस एरिया का कुर्डाराम को अन्ना कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और रोहित, फिर ये भी तो देखना होगा ना कि सारे चुनाव चेहरों पर ही लड़े जा रहे हैं, कोई भी पार्टी पर नहीं लड़ रहा है, क्या पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियां, सरकार की नीतियां और विपक्ष की नीतियां ये कोई मायने नहीं रखती? आदमपुर उपचुनाव बस चेहरों का चुनाव बनकर रह गया ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इंतजार करना होगा दोपहर 12:30 बजे का।